तैयारी करने वाले हैं माचना नदी के अप्रोच रोड की, तो उसके लिए अभी मौसम थोड़ा सुहाना। बारिश के टाइम में भाई दिक्कत क्या होता है, एग्रीगेट ज़्यादा गीली हो जाती है ना, फिर प्लांट बहुत ज़्यादा स्लो चलता है और टेम्परेचर का इशू होता है। शिफ्ट हो रही है, प्रेशर पे रहती है, पर ये साइड में थी तो यहाँ से उठा उठा के इसको पूरा ये हो रहा है भाई यहाँ पर मटेरियल। जब मैं डामर यहाँ पर करूँगा उसके एक दिन पहले इसको अच्छे से बढ़िया इसमें कमी पेशी है। ये नज़ारा देख रहे हैं दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है ना, कमाल का नज़ारा। आ जाएगी नदी का व्यू। अभी देखो जो बिल्कुल सूखी जो नदी थी ना कुछ दिनों पहले, वो बिल्कुल उसमें जान आ गई है अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, होप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है राघव, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसा कि देख रहे हैं आप, मैं हूं अपने हॉट मिक्स प्लांट पे इस टाइम पे, क्योंकि भाई अपन अब तैयारी करने वाले हैं माचना नदी के अप्रोच रोड की। तो उसके लिए अभी मौसम थोड़ा सुहाना सा दिख रहा है, थोड़ा खुला हुआ है, दो दिन से दोस्तों यहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है, तो इसलिए अभी प्लांट का ट्रायल लेंगे। तो ट्रायल और साथ साथ में यहाँ पे जो एग्रीगेट पड़ी उसको अच्छे से कवर कर दी, जैसे कवर है, क्योंकि बारिश के टाइम में भाई दिक्कत क्या होता है, एग्रीगेट ज़्यादा गीली हो जाती है ना, फिर प्लांट बहुत ज़्यादा स्लो चलता है और टेम्परेचर का इशू होता है। तो इसलिए जितनी भी जो आपकी पॉलीथीन वगैरह जो अपन ने डाली है इसके ऊपर, इनको अच्छे से, क्योंकि ये खुल जाती है बीच में, हवा हवा उड़ जाती, तो इसमें इसको सही कर रहे हैं और साथ साथ में इसको कल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आज रात को बारिश नहीं हुई, मौसम ठीक रहा, तो रात को हीटिंग करेंगे बिटुमेन की, और हीटिंग करने के बाद सुबह अपन प्लांट को रनिंग करेंगे। तो अभी जैसे बेसिक तैयारी नहीं, जैसे कुछ कुछ एग्रीगेट वगैरह जैसे यहाँ पे कम है 20 mm, तो उसको वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। और ज़्यादातर भाई जो कवर करने की बात आती है, तो आपका जो डस्ट रहता है उसको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ता है। जैसे ये डस्ट है सामने 10 mm में, उसको भी कवर कर देंगे, तो बाकी 20 mm भाई थोड़ा बहुत गीला रहेगा वो चल जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छे से कवर करते हैं, उसके बाद फिर आगे की तैयारी करते हैं। प्लांट में भाई अभी अपन ने ट्रायल लिया तो ठीक है, प्लांट में बारिश के टाइम पे क्या कोई कोई सर्किट वगैरह शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, या फिर कुछ मोटर वोटर में पानी वानी चला जाता है, तो दिक्कत विक्कत देती है। इसलिए एक बार चालू करने से पहले एक बार ट्रायल रन जरूर ले लीजिए। तो अपना सारा अपन ने चालू करके देखा, डीजी वगैरह ओके है, बाकी ये 20 mm भाई यहाँ से शिफ्ट हो रही है, क्रशर पे रहती है, पर ये साइड में थी तो यहाँ से उठा उठा के इसको पूरा अपने को जहाँ जगह पे चाहिए वहाँ पे ले लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैं आया हूँ अभी अपने माचना नदी के ब्रिज पे, यहाँ पे भी अपना कंडीशन देखते हैं। कल डामर वामर करने की प्रयास है, थोड़ा धूप ऊप भी निकली आई तो मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। मशीनरी वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई है, आगे का काम चल रहा है, पीछे जहाँ बेड बन गए वहाँ पे अपन डामर का काम करेंगे। तो गाइस ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे अपना WM का टॉप यहाँ पे मिला रहे हैं अपन, अभी टॉप तक का मटेरियल डाल के इसको ग्रेडिंग करके छोड़ दिया है, बाकी भाई इस पर टॉप अभी बाद में एक बार फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक चल रहा है ना, जब यहाँ पे डामरीकरण करने चलेंगे ना तो उसके एक दिन पहले भाई इसको अच्छे से मिला के इसमें प्राइम कोट लगा के छोड़ देंगे, जिससे बाद में ये एकदम सही रहे, क्योंकि ये इसमें क्या जितना ज़्यादा ट्रैफिक चलेगा ना उतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है ये चीज़ें। तो अभी इस चीज़ को मैच कर दें, ये वाला टुकड़ा ही मैच कर दिया, सामने वाला टुकड़ा ही मैच कर दिया, थोड़ा सा हल्का डाउन है, उसको अपन बाद में कर लेंगे। और अभी क्या है यहाँ पे, ये फिल्टर मीडिया के लिए जो मटेरियल आता है उसको डाल देते हैं, क्योंकि फिल्टर मीडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो ये हमारे उस्ताद लोग हैं, ये हो रहा है भाई यहाँ पर मटेरियल अपना, अब RHS का हिस्सा भाई एक तरफ से लगभग कम्प्लीट हो गया, जो अपने को यहाँ पे WM वगैरह करना था वो भी रेडी हो गया है, अभी केवल डामरीकरण की देरी है। आज थोड़ा मौसम मेरे को अच्छा सा दिख रहा है, तो कल भाई तैयारी करेंगे यहाँ की डामरीकरण की। और इसको अभी फाइनल इसलिए नहीं कर रहा, फाइनल फिनिशिंग भाई इस पर इसलिए नहीं मार रहा है अपने, क्योंकि ये देख रहा ना गाड़ियों जो आएंगी यहाँ पे ब्रिज पे, अभी काम चालू ही है, तो बार बार घुमाएंगे, आगे करेंगे पीछे करेंगे, इसी के ऊपर से अभी चल रही है, तो थोड़ा सा अभी इसको रुक जाएंगे। जब मैं डामर यहाँ पर करूँगा उसके एक दिन पहले इसको अच्छे से बढ़िया, क्योंकि इसमें कमी पेशी है, इसको बाद में पूरी कर लेंगे। तो दोस्तों देख रहा ना, ये सामने की तरफ अपना काम चालू है, जिसकी रोलिंग वोलिंग करके मतलब अप्रोच ब्रिज से पूरा पूरा मिला दिया गया। हाल की स्थिति ऐसी कि अभी ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां निकल सकती हैं, पर एक तरफ दूसरी अप्रोच अभी जोड़ी नहीं है, क्योंकि उधर अभी अप्रोच सलाम नहीं हुआ, और अभी इसलिए भी नहीं जोड़ी क्योंकि भाई लोकल की गाड़ियाँ बाइक वाले तो भाई अभी से घुसने लग गए, तो उनको अवॉइड करने के लिए तो अभी ना इसको जोड़ा नहीं गया, अभी वो एंड में ही जोड़ेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना भाई, एक जो लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था उसमें भाई सब लोग मेरे से ये पूछ रहे थे, ये जो सामने जो मशीन खड़ी है ये क्यों खड़ी है, है क्या ये? तो भाई ये टावर लाइट बोलते हैं भाई, ये जनरेटर सेट रहता है, इसके ऊपर इस टाइप की लाइटें लगी रहती, तो ये टावर लाइट है जो रात के टाइम पर काम आती, रात को इसका जनरेटर चालू कर देते तो उससे यहाँ पर रात के समय काम करने के लिए आसानी रहती, क्योंकि अभी रात के समय में भाई यहाँ पर क्रश बैरियर की कॉन्क्रीट रात में कभी कभी लेट भी होती, 8 भी बज जाते, 9 भी बज जाते, और डेली भाई एक शिफ्ट करना ही पड़ता है,
क्योंकि वही शटरिंग खुल के फिर आगे लगेगी। और एक चीज़ और बताता हूँ भाई, जो ये अपन बनाते हैं ना क्रश बैरियर, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ना, ये पाइप, ये जो पाइप देख रहे हैं ना आप ब्लैक कलर का, ये इसलिए प्रोवाइड किया, ये डक्ट पाइप रहता है आपका, जो केबल्स वगैरह रहती है ना, जो रिलायंस की हुई, जियो वगैरह, जो भी केबल्स वगैरह रहती उनको इसके अंदर से भाई पार करने के लिए इस टाइप का डक्ट पाइप दिया जाता है। इमरजेंसी में कोई केबल वेबल यहाँ पे पार करनी रही तो इसमें से कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ब्रिज के ऊपर भाई अपने 3 स्पान का अपना क्रैश बैरियर बन चुका है। ये आप पीछे से देख रहे हैं ना, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है ना, वाइट कलर का, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। चौथा जो स्पान है उसके, जो सेकंड लास्ट स्पान है उसका कंक्रीट अभी चल रहा है, और ये इधर था RHS साइड में, और इसके बाद वो लास्ट स्पान रह गया उसका कंक्रीट कम, कल हो जाएगा तो अपना एक तरफ का पूरा स्पान का क्रैश बैरियर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे साइड का भी भाई स्टार्टिंग कर दिया, कोई दूसरे साइड की जो शटरिंग है वो अलग रहेगी और जो पहले साइड की शटरिंग है वो थोड़ा अलग रहेगी। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा भाई, इधर रहेगा 900 का कंक्रीट और इधर रहेगा भाई अपना 1100 का कंक्रीट, क्योंकि ये 1100 mm इसकी हाइट है, इधर 900 mm रहेगी। 900 mm इधर इसलिए रहेगी क्योंकि इसके पास पार्टीशन रहेगा ना, ये पैदल चलने वाले भाई जो यात्री रहेंगे वो इधर से चलेंगे, उसमें एक रेलिंग बीम लगेगी तो इतना फ़र्क रहेगा। बाद में यही वाली शटरिंग भाई पीछे भी लगा सकते हैं शायद, तो पीछे से भाई इसमें जो जो शोल्डर साइड की जो शटरिंग है वो भी लग के क्रश बैरियर उधर भी बनना चालू हो गया है। ये अभी TM वगैरह इसी के ऊपर से भाई कंक्रीट चालू है यहाँ पे। ये देख रहे ना भाई, ये इसका दूसरा साइड था क्योंकि अभी कंक्रीट चल रही सामने वाले की, और इसके अपोजिट साइड वाले की भाई कंक्रीट चालू कर दिए। ये आप देख रहे ना, 2 स्पान का, 1 स्पान का पूरा कंप्लीट हो चुका है। पर भाई क्या जगह की बहुत सारी शॉर्टेज है, ऊपर से क्या इसमें सरिये लगे, वो सपोर्ट वाले वो मैंने आपको दिखाए थे पहले, तो ऐसे में भाई इतनी बड़ी गाड़ी को भाई मूव करना बहुत मुश्किल काम है। तो देखो क्योंकि बीच बीच में देखो बिल्कुल सरिये जगह पे ही ड्राइवर साहब कैसे लगा रहे हैं उनको, बिल्कुल फिक्स जगह है। आने दो आ जाएगी। अभी भाई देखो गाड़ी बीच में अटक गई है, अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा ही माल लग रहा था तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका नीचे खाली कर लेंगे तगाड़ी वगैरह में और डाल लिया जाएगा, बाकी गाड़ी फिर आगे लेंगे। ये वाले लोकेशन में तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, ये RC वाला एंड अपना, तो इसमें ये लास्ट स्पान ही बचा हुआ है अपना, ये देख रहे ना आप, बाकी पूरा तकरीबन हो गया है। और इधर से अपना जो इसका दूसरा साइड रहेगा शोल्डर साइड, उसमें भी ये आधे से ज़्यादा हो चुका है, अभी इसी का कंक्रीट बचा हुआ है, कल ये वाला पोर्शन हो जाएगा अपना, तो ये वाले पोर्शन को अपन आगे तक बढ़ाएंगे अब धीरे धीरे करके। कंक्रीट दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट वपोर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि याद देख रहे ना दोनों साइड में देखोगे इस टाइप से, इधर भी सपोर्ट लगे हुए हैं, इधर तो लगाते ही क्योंकि आपको बताया था, क्योंकि इधर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि ये एकदम सीधा बनना चाहिए, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा तो खूबसूरत नहीं दिखेगा, क्योंकि ये रोड की खूबसूरती पे आ जाता है। यहाँ आपका हाईवे अच्छा तभी लगता है जब ये एक लाइन लेवल में जब बनेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसकी अभी कंक्रीट करते हो एक तरफ से अपन, यहाँ से देखो दोस्तों अभी कितना खूबसूरत लगने लग गया अपना। और एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, जैसे ये जो सरिये लगे थे अभी, जैसे यहाँ पर काम ख़त्म हो गया तो अब सरियों को यहाँ से अपन रिमूव करना चालू भी कर दिया, ये पीछे के सरिये पूरे रिमूव कर दिए क्योंकि अब इनका जो रोल था वो सारा ख़त्म हो गया है। ये वाला दोस्तों अपना बैतूल वाला एंड है, ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, डबल टॉप बन के रेडी हो गया। अभी इसी पोर्शन में मैं कल से भाई डामर चालू करूँगा पीछे से, वो पेवर बहुत दूर खड़ी हुई तो वहाँ से चालू करेंगे अपन डामरीकरण का कल से काम, अगर मौसम अच्छा रहा तो, नहीं तो भाई ये भी नहीं होगी। और ये आप देखा ये क्वेश्चन टैप लगाई थी बहुत अच्छी, पर यहाँ पे अभी भी क्या है लोग बाग जैसे ऊपर आने लग गए ब्रिज के ऊपर, गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ पे देख रहे हैं ना खड़ी कर देते हैं। और फिर भी दोस्तों को एक भाई साहब तो परसों आए थे तो भाई ब्रिज के ऊपर बाइक लेके आ गया, बोलते हैं प्लाई लगा के कि भाई इसमें से उतारूंगे, उतारने की जगह नहीं है और मानते नहीं भाई, ये होशियारी ज़्यादा देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, हम लोग यहाँ लड़ने तो आए ना, ऊपर से दादागिरी करेंगे तो कैसा चलेगा काम। तो ये अभी वैसे क्वेश्चन टैप लगा के बंद तो किया है, आप आओ बाहर से देखो अच्छी बात है, जैसे बहुत सारे अंकल वंकल आए हैं सब देखने के लिए आए आपके, इस टाइप के जैसे काम वाम चलते हैं, जैसे आउटसाइड का पर्सन, जैसे आउटसाइड से जो भी बंदे आते हैं ना, जैसे कोई भी आते हैं देखना सबको अच्छा लगता है कि काम वाम हो रहा है। दूर से देखिए मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अंदर सरिये वरिये पड़े हैं,
इलेक्ट्रिक केबलें पड़ी हैं, उसमें कहीं कहीं कट भी रहते हैं छोटे मोटे, तो जो काम कर रहा है उसको तो पता रहता, जिसको जो आउटसाइड से आते हैं उनको पता नहीं रहता, तो भाई ऐसे में कुछ हादसे वादसे हो जाते हैं, इसीलिए भाई कंस्ट्रक्शन साइड पर ये चीज़ें अलाउ नहीं की जाती। कभी किसी का ध्यान कहाँ है, किसी का ध्यान क्या है, कुछ हो जाए तो लफड़े हो जाते हैं ऐसे टाइम पर, तो बात लोग बाग ये सुनने को तैयार नहीं। ये व्यू देखो दोस्तों, ये है माचना नदी का व्यू। अभी देखो जो बिल्कुल सूखी जो नदी थी ना कुछ दिनों पहले, वो बिल्कुल उसमें जान आ गई है। अभी यहाँ पे देखो पानी कितना बढ़िया स्मूथ तरीके से बह रहा है। पानी का स्तर ज़रूर कम हुआ, पहले पानी का स्तर बहुत ज़्यादा था, अभी बीच में 3-4 दिन की जब कंटिन्यू बारिश हुई थी ना, और अभी पानी का स्तर बिल्कुल डाउन हो गया। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे अच्छा है कि हम लोग शटरिंग वटरिंग जो खोल रहे हैं वो आसानी से खुल रहे हैं। बस आज हरियाली अमावस्या है तो मैक्सिमम स्टाफ दोस्तों आज साइड पर नहीं आया है, और छोड़ा स्टाफ से ही काम वाम चल रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों शाम का टाइम भी हो गया, अभी लगभग 6:30 के आसपास हो गया, थोड़ा अंधेरा होने ही वाला है, साइड भी दोस्तों लगभग क्लोज हो गई, थोड़ा सा क्रश बैरियर बच जाए उसको करने के बाद यहाँ पे ख़त्म होता है काम। तो मशीनें वगैरह भी जो हैं साइड पे, अब भाई नीचे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अभी काम ही ऊपर है, तो नीचे ले जाने की इनको जरूरत नहीं, ऊपर ही खड़ी करते, नीचे वैसे भी बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है क्योंकि काली मिट्टी टाइप का है। तो दोस्तों होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो अगर कल की अगर डामर हमारा स्टार्ट होता तो भाई यहीं पे रहेंगे, अगर हमारा कल बिटुमिन का काम नहीं रहता, अगर बारिश बारिश हो तो कल आपको मैं सुखता हुआ का ब्रिज दिखाऊंगा, क्योंकि उधर मैं फिर चक्कर मारने जाऊँगा, दे जाना ही पड़ता रोड मेंटेनेंस के लिए, देखना ही पड़ता है रोड कोई डैमेज वगैरह ना हो, पानी वानी ना रुका हो, पॉट होल वगैरह ना हो, तो इसलिए अगर वहाँ चक्कर मारना हो तो कल आपको सुखता हुआ का ब्रिज दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, धन्यवाद।